हेलो, कैसे हो? क्या हाल अंजन? मजे में। सब स्वागत है तुम्हारा मेरी एक नई दुनिया में, जिसका नाम है हाई पिक्सल का सस्ता वर्जन फेक पिक्सल। ये देखो, मैं ज्यादा बकवास नहीं करने वाला हूँ। देखो सुनो, मैं खेल रहा हूँ पूजा लॉन्जर के अंदर, और मैं खेल रहा हूँ हाई पिक्सल का सस्ता वर्जन फेक पिक्सल मोबाइल के अंदर। एंड ज्यादा मैं बकवास नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को इसके ऊपर वीडियो बनानी थी, तो मैं अभी बना रहा हूँ। क्योंकि आई बोल रहा हूँ, एकदम वीडियो तुम्हारा स्वागत है मेरी एक नई सीरीज में, या नई दुनिया भी कह सकते हो, जिसका नाम है हलवा वर्ल्ड। या यही नाम है। सो इसके अंदर मैं देखो, मैं एकदम शुरुआत से शुरू नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें फटाफट बता देता हूँ कि मेरी एक्चुअली यहाँ पे है कि ये शुरुआत तो डेफिनेटली नहीं है। क्योंकि वैसा देखो, सबसे पहले स्टार्टिंग में ना मेरे को समझ में नहीं आता, क्योंकि देखो हाई पिक्सल जो है ना, ये बहुत बड़ा सर्वर है यार। इसको समझने के लिए एक बहुत बड़ा आईक्यू लेवल दिमाग चाहिए, जो मेरे पास नहीं है। तो इसके लिए मैंने पहले सोचा कि चलो इसको जरा खेलते हैं, जरा समझने की कोशिश करते कि ये हाई पिक्सल मतलब फेक पिक्सल आखिर है कैसा, एंड कितना मजेदार है, एंड क्या होता है इसके अंदर। वो चीज देखने के लिए मैंने ये सर्वर के अंदर लॉगिन करा, एंड सच्ची कहूँ ये बहुत ही ऑसम सर्वर है, कसम से। अगर तुम्हें भी खेलना है तो तुम आराम से खेल सकते हो अपने मोबाइल के अंदर, क्योंकि तुम देख सकते हो कि मैं भी मोबाइल में ही खेल रहा हूँ। मैं पोजा लॉन्चर के अंदर खेल रहा हूँ, और ये मेरा आइलैंड है। कैसा लगा? चलो मैं तुम्हें आइलैंड की अपनी टूर कराता हूँ। एंड अगर तुम्हें भी मेरे आइलैंड पे आना है तो तुम आ सकते हो। देखो मेरी आईडी ये वेलमो प्लेज है, तुम ये सर्च करके तुम मेरे आइलैंड पे आ सकते हो। एंड चलो मैं तुम्हें अपना आइलैंड का टूर भी दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले देखो, शुरुआत में मैं तुम्हें ये दिखाता हूँ, ये है अपना जेरी। क्या हाल चाल? अगर अपने इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कुछ भी नहीं बोलेगा, बस जेरी जेरी करके बोल देगा, दैट्स इट। और ये कुछ नहीं बोलता है। और अगर तुम यहाँ पे आओगे तो मेरे पास एक यहाँ पे एक स्नो मिनियन है, जिसके अगर खोलूं तो बहुत कम जनरेट करा यार इसने, ना जो भी जितना भी जनरेट करा ला दे। और यहाँ पे आगे तो तुम्हें यहाँ पे एक अपना ये मिलेगा, किस क्या कहते हैं इसको, ये है वीट मिनियन, जिसमें बहुत अच्छा खासा मेरा सामान कलेक्ट करके लिया। ला 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 ला, ला अभी इसको बेचूंगा बाजार में जाके। अगर तुम्हें हाई पिक्सल समझ में नहीं आता है तो तुम मेरी ये वीडियो को पूरी देख रहा, क्योंकि मैं इसके अंदर थोड़ा बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ। हाई पिक्सल के अंदर मनी किस तरह कमाते एंड वगैरह वगैरह काइंड ऑफ स्टफ बताने वाला हूँ। तो पूरी वीडियो देखना, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि अपने हाई पिक्सल के अंदर अभी यहाँ पे बहुत सारी चीजें करने वाले, क्योंकि आज भी मेरे को ज्यादा समझ में नहीं आया ये हाई पिक्सल, इसलिए मैंने सोचा चलो अब ज्यादा अभी जो भी चीज अपने एक्सप्लोर करेंगे तो अपने ये वीडियो के अंदर एक्सप्लोर करेंगे, और ये सीरीज के अंदर ही एक्सप्लोर करेंगे मेरी फेक पिक्सल या हाई पिक्सल वाली सीरीज के अंदर। एंड या मेरे को बहुत मजा आएगा ये सीरीज बनाने में, आई स्वेयर। देखो अगर तुम थोड़ा यहाँ पे आगे तो ये मैंने एक जॉम्बी मिनियन का एक बना के रखा है, मैं अंदर जाऊंगा तो ये मेरे को मारते हो जाएगा। चलो दिखाता हूँ। नहीं यार, ये पोजा लॉन्चर के अंदर थोड़ा अटैक करना मुश्किल होता है यार, इसकी भी स्टोरेज फुल हो गई। अबे नहीं, मत बजाओ यार, हट, दिमाग मत खराब कर, मेरी पूरी इन्वेंटरी फुल हो गई। रुको मैं सबसे पहले तुम्हें ये भी दिखाता हूँ कि इसमें आइटम सेल किस तरह करते हैं। तो लेट्स गो। तो देखो फास्ट ट्रैवल करना है तुम इस तरह ट्रैवल कर सकते हो, स्काई ब्लॉक अप, एंड अब मैं यहाँ पे चला। मैं ये भी दिखा देता हूँ कि मेरे बैंक में अभी कितने पैसे पड़े। देखो ये यहाँ पे बैंक में गया मैं, और अगर मैं अपने सारे पैसे को विड्रॉ करूँ, मेरे पास है अभी टोटल 35,000 रुपीज। या इट्स बहुत कम है, ये बहुत कम है। अरे मैं तुम्हें बताऊँ तो मेरे पास अराउंड 8 लाख रुपए थे, जो मैंने, रुको मेरे पास और 5 लाख रुपए भी है, मैंने ये ऑप्शन में लगाए थे। यार जो एंड होने में इतना टाइम है, तो देखो यहाँ पे मैंने एक बीट लगाई थी, ये बीट के अंदर मैंने 5 लाख कॉइन्स लगाए थे, क्योंकि ये जो चीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा कि ये जो चीज होती है क्या चीज है, लेकिन अभी मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इसकी बीट को हरा सकता हूँ। ओ मेरे को एक बीट में मेरे को मिल गया, रुको रुको ये कलेक्ट कर लेते हैं। चलो मेरी इन्वेंटरी फुल है, पहले मेरे को सामान बेचने दो, अभी देखते हैं कि सामान के कितने पैसे मिलते हैं। ये देखो, ये है अपना बाजार, ये ऐसा दिखता है बाजार, और ये स्काई ब्लॉक या हाई पिक्सल या फेक पिक्सल की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तुम्हें ये अनलॉक करने के लिए तुम्हें अपना स्काई ब्लॉक आइलैंड को लेवल 7 का करना पड़ता है, और मेरा ऑब्वियस बात है, मैंने बहुत ग्राइंड करके इसको अनलॉक कर लिया है। तो अभी मैं अपना सारा सामान बेचता हूँ, एंड लेट्स सी कि मेरे को कितना पैसा मिलता है। ओके, और ये मैंने सेल कर दिया, और मेरे को अभी मिला 23,000 रुपीज, जो कम है, बहुत कम है, बहुत कम होता है। सबसे पहले ये पैसे मैं अपने पूरे बैंक में फिर से जमा कर देता हूँ, 58,000 है, और मैं एक भी गंवाना नहीं चाहता हूँ। तो चलो अपनी स्काई ब्लॉक की प्रोफाइल में जाते हैं, एंड अब मैं तुम्हें अपना पूरा आइलैंड का टूर दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ पे स्नो मिनियन है, और ये जो स्नो मिनियन है, ये ऑब्वियस बात है, ये बहुत
कीमती मिनियन होता है हाई पिक्सल स्काई ब्लॉक का, सबसे इम्पोर्टेंट मिनियन होता है ये। अगर तुमने चपाती गेमर की हाई पिक्सल की सीरीज देखी होगी तो तुम्हें पता होगा कि हाई पिक्सल का सबसे इम्पोर्टेंट मिनियन कौन सा होता है ये। और ये एक्चुअली मैंने कुछ क्राफ्ट नहीं करा था, ये मैंने एक बंदे से मांगा था और मेरे को उसने दे दिया था, बहुत भीख मांगनी पड़ी। तो तुम्हें स्नो मिनियन अगर तुम्हारे पास है ना तो तुम्हें ये चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये चीज सुपर कॉम्पैक्टर 3000, यही चीज को मेरे को खरीदने में 3 लाख कॉइन्स को गंवाना पड़ा यार। एक्चुअली इसको क्राफ्ट करना पड़ता है लेकिन मैं थोड़ा नूबड़ा हूँ तो मैंने इसको खरीद लिया। पहले इसकी क्राफ्टिंग रेसिपी खोलनी पड़ती है। एंड अगर मैं तुम्हें माइनिंग सेलेक्शन में जाऊँ और अगर मैं कॉबर स्टोन में जाऊँ तो ये जो चीज होती है ना, कौन मारा? ओह हेलो यार, यार इन लोगों को भी चैन नहीं है ना। अगर मैं अपने यहाँ कलेक्शन में जाऊँ, माइनिंग में जाऊँ एंड अगर कॉबर स्टोन में जाऊँ तो हाँ देखो ये रहा, ये सुपर कॉम्पैक्टर की यहाँ पे ये लेवल 10 में खुलता है एंड इसके लिए मेरे को लिटरली 70,000 कॉबर स्टोन को माइन करना पड़ेगा जो बहुत ज्यादा होते हैं यार। और इसको क्राफ्ट करने की रेसिपी भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लिटरली 64 एंचांटेड कॉबर स्टोन चाहिए एंड एक एंचांटेड कॉबर स्टोन को बनाने के लिए 32 करके कम से कम दो स्टैक, नहीं दो नहीं, इतने सारे कॉबर स्टोन चाहिए ये एक एंचांटेड कॉबर स्टोन बनाने के लिए। एंड ऐसे अपने को 64 करके इतने सारे कॉबर स्टोन चाहिए लिटरली, एंड एक एंचांटेड रेडस्टोन ब्लॉक भी चाहिए तब जाके ये एक बनता है। एंड ये एक चीज बाय करने में मेरे को सदियां लग गए क्योंकि भाई 3 लाख कॉइंस ऐसा स्टार्टिंग बिगनर हाई पिक्सल प्लेयर या फेक पिक्सल प्लेयर, हाँ वही यार 3 लाख कॉइंस कमाना बहुत डिफिकल्ट होता है, समझो यार जरा, समझो बहुत डिफिकल्ट होता है। एंड अगर देखो अगर तुम नए प्लेयर हो हाई पिक्सल स्काई ब्लॉक के अंदर तो मैं तुम्हें एक बेस्ट ट्रिक बताता हूँ पैसे कमाने की जो बहुत ही ईजी है, तुम्हें इसके अंदर कोई ग्राइंडिंग करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत लगेगी। मैं तुम्हें बताता हूँ मेरी ट्रिक क्या है। सबसे पहले अपने स्काई ब्लॉक हब में जाते हैं, ओके। अब मैं यहाँ लॉबी में आ गया, अब देखो अब मैंने किस तरह 7 लाख कॉइन्स कमाए एंड इसमें लिटरली कोई ग्राइंडिंग नहीं है। अब देखो अब तुम्हें क्या करना है कि यहाँ पे बहुत कम प्लेयर्स है तो रुको, तुम्हें नहीं है हब सिलेक्टर में जाना है एंड यहाँ पे देखना है कौन सी लॉबी में सबसे ज्यादा प्लेयर्स है। तो अभी तो ज्यादा प्लेयर्स है ही नहीं यहाँ पे, अभी सबसे ज्यादा ये वन में ही है, तो चलो यहाँ पे जाते हैं। अब तुम यहाँ पे आए ना तो तुम्हें देखना है कि सबसे ज्यादा हार्ड वाले बंदे कौन है, तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पे 1400 हार्ड वाला है, इसके ऊपर क्लिक करो, यहाँ पे ट्रेड में आता है, इसको ट्रेड रिक्वेस्ट सेंड करो। अब ये ट्रेड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा ना तो ये तुम्हें कुछ ना कुछ ट्रेड करेगा, तुम इसको ट्रेड कर देखो ये मेरे को भाई क्या खतरनाक आर्मर दे रहा है, जल्दी दे। हाँ कभी कभी ये लोग बस ऐसा लालच दे दे के बेइज्जती करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, अगर तुम मांगोगे ना तो वो तुम्हें लिटरली 1-1 मिलियन कॉइन्स भी दे सकते हैं, सच में 1-1 मिलियन कॉइन्स भी दे सकते हैं। मैंने इस तरह कम से कम 100-200 लोगों से भीख मांगी थी तब जाके मेरे को 3-4 लोगों ने 5 लाख कॉइन्स और 2-3 लाख कॉइन्स मेरे को फ्री में दे दिया था। लिटरली एक बंदे ने तो मेरे को लिटरली बहुत सारा आर्मर का सेट भी दिया था, मैं तुम्हें अगर दिखाऊं तो देखो ये वाली चेस्ट में ना, ये वाली चेस्ट में मैंने लिटरली बहुत सारे लोगों से जो भीख मांगी थी ना वही वाला सामान है। देखो अगर इसके ऊपर क्लिक करूंगा, लुक एट दिस थिंग, ये जो भी चीज है इसमें से मोस्ट ऑफ द चीज मैंने भीख मांग के कमाई है। ये आर्मर ये मैंने नहीं खरीदा है, ये मेरे को लिटरली किसी बंदे ने दिया है, लेकिन बस एक लिमिटेशन है कि ये आर्मर को पहनने के लिए ने इसकी सारी एबिलिटीज को यूज करने के लिए मेरे को ये जो रिक्वायर्ड सेक्शन दिख रहा है ना तुम्हें, इसमें मेरे को ये लेवल पे पहुंचना पड़ेगा एंड ये लेवल पे पहुंचने के लिए मेरे को बहुत ग्राइंडिंग करनी पड़ती है। लेकिन अगर तुम ये आर्मर्स को देखो तो लुक एट दिस थिंग, हेल्थ 150, डिफेंस 79 एंड अगर कहूँ तो अभी मेरा डिफेंस है सिर्फ 150 जो मेरा पूरा ये आर्मर का सेट बना के दे रहा है। अगर मैं ये आर्मर का सेट निकालूं तो अब मेरा डिफेंस सिर्फ 15 रहता है एंड अगर मैं ये आर्मर को पहनूं तो मेरा 150 हो जाता है, कम है अगर देखा जाए तो, ये 150 भी बहुत कम होता है यार। एंड अगर मैं किसी मॉब को भी मारने जाऊं ना तो देखो कितना डैमेज हो रहा है, 126 एंड अगर कहूँ तो भाई 126 भी बहुत कम डैमेज होता है। एक तो बहुत सारे बंदों ने मेरे को ये आर्मर दिए लेकिन इसमें एक ना एक लिमिटेशन है कि मेरे को भाई साहब इसके लिए कैटाकॉम लेवल, ये कोई ना कोई कैटाकॉम, मेरे को नहीं पता ये कैटाकॉम किस तरह हासिल करूँ मैं, ये कैटाकॉम लेवल पे मेरे को जाना पड़ेगा। एंड अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो मेरा जो कैटाकॉम लेवल है तो हाँ ये रहा देखो, तो अभी मेरा कैटाकॉम लेवल 0 है एंड मेरे को कैटाकॉम लेवल को बढ़ाने के लिए डंजन में जाना पड़ेगा। और अगर मैं तुम्हें डंजन में भी जाके दिखाऊं एंड ये देखो यार ये कितना बड़ा डंजन है, सबसे पहले तो रुको यार मेरे को क्लाउड ऑफ करने दो, ओके तो ये देखो
ये अपना डंजन है डूड, क्या लगता है यार, ये कितना खतरनाक डंजन है, जस्ट लुक एट दिस थिंग। और कभी ना कभी ऐसे ये बड़े हार्ट वाले बंदे दिख जाओ ना, ये बड़े हार्ट, ये देखो इसका 1721 हार्ट है, ये चला ये, इसका 1900 है डूड, चलो इसे ट्रेड करके। ओके तो मैंने ट्रेड रिक्वेस्ट एंड करी है, अब देखते हैं कि एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। चल कर ले भाई, कर ले प्लीज, मेरे को कोई ना कोई एक मतलब 1-2 लाख रुपए दे दे यार, बस 1-2 लाख ही चाहिए, बस 1-2 लाख प्लीज। लगता है ये एफके है यार, वो कोई दूसरे बंदे से रिक्वेस्ट मांगनी पड़ेगी। वो भाई इसके पास 2000 हेल्थ है, लेट्स गो लेट्स गो। ए यार नहीं सर, ना ना तू दे दे, तू दे दे, कोई तो कोई ट्रेड मेरी एक्सेप्ट करो यार, प्लीज एक्सेप्ट माई ट्रेड एंड गिव मी मनी। चला गया ना, तू तो कर यार, कोई से तुम पैसे लेके रहूंगा मैं, कोई से तो पैसे लेके रहूंगा। सॉरी सॉरी, मैं अपना गोल भूल गया। तो देखो मैं तुम्हें ये बताने वाला था कि ये है अपना गेट कीपर एंड इससे मैं अपना कैटोकॉम लेवल इंप्रूव कर पाऊंगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि मेरे को इसके लिए अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ हो जाए यार, यार इतने सारे बंदे। हाँ देखो, यू नीड कॉम्बैट लेवल एक्स वी, अभी एक्स वी मतलब 15 लेवल चाहिए मेरे को ये कैटाकॉम लेवल को इंक्रीज करने के लिए। एंड अभी मैं अगर मैं तुम्हें अपना कॉम्बैट लेवल देखा हूँ तो अभी मेरा कॉम्बैट लेवल है सिर्फ 10 11, और मेरे को अगर 15 लेवल तक जाना है तो मेरे को यहाँ पे बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि अभी मैं 11 पे हूँ और 11 12 13 14 है, इस तरह करके बहुत टाइम लगेगा यार, ये क्या सीन है यार। एक्चुअली यही है कि ये हाई पिक्सल के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इसमें हर एक चीजों के लिए बहुत ज्यादा ही ग्राइंडिंग करनी पड़ती है। अगर तुम ये फेक पिक्सल खेलना चाहते हो तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर ये सर्वर का आईपी एड्रेस दे दूंगा, वहां से कॉपी करके तुम पोजा लॉन्चर को डाउनलोड करके वहां पे एक अकाउंट बना के, वो अकाउंट बनाने के बाद मैं सजेस्ट करता हूँ कि तुम 1.8.9 वाला वर्जन खेलो, उसमें ज्यादा लैग नहीं मारेगा। मैं अभी खेल रहा हूँ 1.10 और ऑप्टिफाइन वर्जन यूज करना, ऑप्टिफाइन 1.8.9 वर्जन को यूज करना बेटर रहेगा तुम्हारे लिए खेलने के लिए। और यहाँ पे आके मेरे को बस ज्यादा नहीं, बस 2-3 मिलियन कॉइन्स में से ट्रेड कर लेना अगर तुम ऑलरेडी खेल रहे हो, और अगर नए हो और तुम्हारे पास ज्यादा पैसे आ जाते हैं तो बस मुझे ज्यादा नहीं, बस 200-300 मिलियन भी अगर होते तो दे दो, ज्यादा थोड़ी मांग रहा हो यार। एंड अगर तुम ये सोच रहे हो तुम ये सर्वर नहीं ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ भाई, ये सर्वर बहुत बड़ा सर्वर है लिटरली। मैं तुम्हें अगर इसका मैप दिखाऊं तो जस्ट लुक एट दिस मैप डूड, दिस थिंग इज ह्यूज, जस्ट लुक एट दिस। वो तुम देख रहे हो ना, वो नेदर है, वो नेदर, वो बहुत बड़ा नेदर है भाई। और इसमें सबसे डेंजर है ये एंड आइलैंड, एंड आइलैंड में भाई साहब जो एंडरमैन की जो हेल्थ होती है वो 1-1 मिलियन हेल्थ होती है लिटरली। एंड मेरी हेल्थ अभी 200 है एंड वो एंड के जो एंडरमैन होते हैं उनकी हेल्थ भाई साहब 1 मिलियन होती है। एंड तुम इसका मैप देख सकते हो, अभी अपने है ये आइलैंड के अंदर, ये वाला आइलैंड के अंदर। एंड भाई साहब इसमें बहुत सारे आइलैंड्स है एंड इसमें टास्क भी बहुत सारे होते हैं। एंड अगर तुम ऑक्शन में जाओ ना तो अगर मैं तुम्हें इसकी यहाँ पे ऑक्शन दिखाऊं तो जस्ट लुक एट दिस थिंग, रुको रुको मुझे यहाँ पे रिसेट करने दो। अगर तुम यहाँ ऑक्शन में जाओगे तो जस्ट लुक एट दिस, 1.4 बिलियन की बिडिंग चल रही है भाई, ये 1.4 बिलियन है यहाँ पे। और ये क्या है, ये वार्डन हेलमेट है ये। एंड लिटरली इसमें तुम कितने कमा सकते हो, इसमें तुम लिटरली अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हो, लिटरली अनलिमिटेड पैसा, जो बहुत ज्यादा होता है। और अगर तुम्हें मैं अपना और आइलैंड का टूर दिखाऊं तो देखो, ये मैंने एक नई पोर्टल बना के रखी है जो मुझे एक अलग आइलैंड पे लेके जाएगी, और ये मैंने एक और पोर्टल बना के रखी है जो मुझे एक डीप केवन मतलब एक केव में लेके जाएगी, और ये अपनी नॉर्मल सी वो होती है पोर्टल। और यहाँ पे मेरा एक कॉबलस्टोन मिनियन भी है जो बहुत अभी काम का है मेरा, और यहाँ पे एक रेडस्टोन मिनियन है जो भी बहुत काम का है, ला बेला सामान ला इधर। अजू भी मेरे पास बहुत सारे मिनियन है भाई, तुम देख सकते हो यहाँ पे मेरा एक वुड मिनियन है, लाइदर वुड लाइदर, ओ भाई इसने बहुत ज्यादा कलेक्ट करके रखा है, डायमंड भी है, मेरी स्टोरेज फुल हो गए, जल्दी जाके अभी इसको सेल करना पड़ेगा। फटाफट बाजार में जाते हैं एंड सेल करते हैं ये पूरा। ओके बट 3000 रुपए, बस 3000 कॉइन, ये इतना सारा सामान का बस 3000 कॉइन दे रहा है यार, ये क्या सीन है। चल ला दे जो भी है ला दे, डायमंड ब्लॉक है, डायमंड ब्लॉक तो मैं ऑक्शन में लगाता हूँ लिटरली, डायमंड ब्लॉक ऑक्शन में बहुत अच्छी प्राइस में बिकता है। देखो अगर तुम्हें नहीं आता है कि ऑक्शन किस तरह लगाते हैं तो वो भी मैं बता देता हूँ। देखो तुम ऑक्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्रिएट ऑक्शन है, फिर यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करो और अपना ब्लॉक यहाँ पे यूँ क्राउच करके यूँ एक बार क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाएगा। एंड यहाँ पे मैं इसकी प्राइस रखने वाला हूँ, ज्यादा रखते हैं 7K रखता हूँ मैं, 7K 7K में खरीद ले तो अच्छा है। ओके तो इसकी प्राइस मैंने ये रखी एंड 6 घंटा नहीं 12 घंटे का रखते हैं एंड प्लेस दिस थिंग कंफर्म एंड हो गया।
मेरे पास एक और है तो लेट्स प्ले टेस्टिंग इज आल्सो, या तो भी वहाँ पे इसकी प्राइस में रखूंगा, ये 28 है तो 4000 कॉइन्स मेरे हिसाब से सही रहेगा। इसकी ड्यूरेशन भी 12 घंटे रखेंगे बेटर रहेगा। एंड क्रिएट ऑक्शन कंफर्म, एंड ये हो गया। अब बस थोड़े टाइम में कोई ना कोई मेरे ऑक्शन को बाय करेगा एंड मेरे को मेरे सारे पैसे मिल जाएंगे। दैट्स इट। ला ला खाली कर स्टोरेज, खाली कर। ओ अब लेवल अप भी हो गया, चलो बहुत अच्छा है। और यहाँ पे मेरा काव मिनियन है। हट हट रखते सर। हाँ ओके ओके, तूने भी अच्छा सामान कलेक्ट करा। ला खाली कर। अगर तुम्हें अंदर जाके दिखाऊं तो देखो कैसा घूर घूर के देख रहा है मेरे को। दरवाजा नहीं खोलने वाला, तू टेंशन मत ले, तू अंदर जाके मर जा, वो ज़ॉम्बी मिनियन तेरे को मार देगा, जा। और यहाँ पे मैंने एक मिनियन की स्लॉट बना के रखी थी, लेकिन तुम्हें ये भी बता दूं कि यहाँ पे मिनियन की एक लिमिटेशन होती है। तुम अपने आइलैंड के अंदर बस कुछ ही मिनियन को प्लेस कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक मिनियन पड़ा है, रुक जाओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। पिग मिनियन है तो मैं दिखाता हूँ कि ये मिनियन की क्या लिमिटेशंस होती है। ओके तो अगर मैं अभी यहाँ पे एक मिनियन प्लेस करने जाऊँगा तो देखो यहाँ पे एक लिमिटेशन होती है कि यहाँ पे मैं सिर्फ 8 मिनियन को ही प्लेस कर सकता हूँ। और ये लिमिटेशन को मैं इंक्रीज भी कर सकता हूँ, जैसे कि अगर मैं और मिनियंस को क्राफ्ट करूंगा। मेरी यहाँ पे बहुत सारी रेसिपीज अनलॉक तो हो चुकी है मिनियंस की, तो मैं बहुत सारे मिनियंस क्राफ्ट तो कर सकता हूँ। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो मैं सबसे ज्यादा स्किल किस में है, तो देखो फार्मिंग के अंदर मैं अभी 17 लेवल पे होता है। एंड अगर मैं रेसिपीज में जाऊं, फार्मिंग में जाऊं, तो यहाँ पे मैं बहुत सारे मिनियंस को क्राफ्ट कर सकता हूँ। एंड अगर ये मैंने सारे मिनियंस को क्राफ्ट कर लिया है तो मेरा एक और मिनियन का स्लॉट खुल जाएगा। एंड लिटरली ये सर्वर में बहुत सारी चीजें है करने के लिए, तो मैं तुम्हें ये सजेस्ट करता हूँ कि तुम हाई पिक्सल खेलो, फेक पिक्सल खेलो। एंड ये डेफिनेटली तुम अपने मोबाइल में भी खेल आओ और जरा खेलो, और जितने भी पैसे कमाओ तो उसमें से 50% बस 50% मेरे को ट्रेड कर दो, ज्यादा नहीं। ओके सो या इस वीडियो के अंदर इतना ही होने वाला है, और मैं ये सीरीज को कंटिन्यू करूंगा डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे मेरे को अपना डैमेज भी इंप्रूव करने का है, मेरा और मिनियन स्लॉट्स भी अनलॉक करने के, और मेरे को यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा रेसिपीज भी अनलॉक करने के, क्योंकि वैसा मेरे को यहाँ पे एक कम्पैक्टर बनाने का है। और अगर मैं रेस्टोरेंट को माइन करूंगा तो यहाँ पे रेस्टोरेंट की वैसे ना मैं पर्सनल कॉम्पैक्टर 4000 बना सकता हूँ, जो लिटरली 3000 से भी ज्यादा बेटर है। मैं लिटरली ये सर्वर को कम से कम 5-6 दिनों से खेल रहा हूँ, एंड मैंने कम से कम 8-2 लाख रुपए तो कमा ही चुका हूँ भीख मांग के। एंड अगर तुम्हें मनी मेकिंग ट्रिक भी जाननी है तो मेरे पास एक मनी मेकिंग ट्रिक भी है। ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, चलो चलो दिखा देता हूँ। चलो चलो अभी यहाँ पे मेरे पास एक शवल है, और मैं तुम्हें ये शवल की एंचांटमेंट दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरी एफिशिएंसी 5 लगी है एंड फॉर्च्यून 3 भी लगी है। ओ मैंने ये तो चीज देखी नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे अपना ये बांध में जाता हूँ तो देखो ये इतना बड़ा आइलैंड है, एंड अगर तुम यहाँ से थोड़ा ऊपर जाओगे तो ये तुम्हारा डेजर्ट वाला आइलैंड अनलॉक हो जाएगा। एंड ये चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो शवल लो, इसमें एफिशिएंसी 2 या 3 लगा लो, एंड क्या करो कि यहाँ पे ये आइलैंड पे आओ एंड बस ये सैंड को माइन करो। देखो कितनी फास्ट में माइन कर रहा हूँ। एंड अगर तुम्हारी इन्वेंट्री फुल आ जाती है तो मैं बस यहाँ पे एक और तरीका है। देखो अभी तुम यहाँ पे स्टोरेज पे जाओगे तो तुम्हें यहाँ पे एक एंडर चेस्ट नाम का एक ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर पहले स्लॉट के ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे देखो यहाँ पे तुम अपनी सैंड रख सकते हो। देखा कितनी सही चीज है ये। ओके तो फिर से माइन करते हैं। सो अब मैं तुम्हें मिलता हूँ डायरेक्ट ये माइन करने के बाद। ओके तो मेरे हिसाब से मैंने अच्छा खासा रिसोर्स कलेक्ट कर लिया है। अगर मैं अपनी एंडर चेस्ट को देखू, या मैंने सब भर लिया है, मेरी पूरी चेस्ट फुल है यार। ओके तो चलो अपने जाते बाजार के अंदर एंड सेल करके देखते हैं कि यहाँ पे कितना प्रॉफिट होता है मेरे को। एंड 22,000 यार बहुत ज्यादा होते यार। चलो अभी इतना ही सेल करा है मैंने, अभी तो मेरे पास एंडर चेस्ट के अंदर और भी बहुत सारा है। ओके तो ला बता ऐसा कितना देगा। ओ भाई साहब 45,000 रुपीज। ला 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 जल्दी ला जल्दी ला, क्विक सेल दिस थिंग, थैंक यू वेरी मच चाचा। बता इसका कितना। 25,000। ओके इट्स नॉट बैड, इट्स नॉट बैड। ला जल्दी सेल कर। ओके आजू भी और है, रुक जा एंड दैट्स इट, खत्म हो गया। अब चलो इसका देखते कि इसका कितना है। 19,000 इट्स नॉट बैड। ला सेल कर दे। एंड तुम लोग देख सकते हो मैंने लिटरली भाई साहब 2,000 से 1,00,000 कॉइन्स कमा लिए सिर्फ 15 मिनट थोड़ी बहुत ग्राइंडिंग करके। लेकिन तुम्हारे पास एटलीस्ट कम से कम एफिशिएंसी 2 या 3 का शॉवल होना ही चाहिए, बहुत अच्छा तुम अच्छा कमा सकते हो यार। एंड अगर मैं इससे एक आर्मर खरीदने जाऊं तो बहुत अच्छा आर्मर मिल जाएगा, लेकिन यार चलो देखते हैं। वीडियो एंड करने का मेरा मन ही नहीं कर रहा, चलो एक आर्मर खरीदने की कोशिश करते हैं। कहाँ ऑप्शन, ये रहा ये रहा। ओ 1.4 बिलियन, ना इतना पैसा नहीं, इतना पैसा नहीं है भाई, इतना पैसा नहीं। ला बताओ कुछ सस्ता है तो बताओ यार, ये बहुत ज्यादा है, मेरे पास मिलियन नहीं है। लोवेस्ट 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 बिट 10,000 का है ये।
10,000 का, लेकिन इसके लिए भी भाई कैटाकॉम लेवल चाहिए यार। ये बहुत अच्छा आर्मर है, तुम देख सकते हो यार, इसमें बहुत अच्छी एंचांटमेंट लगी है यार। आई रियली लाइक दिस एंचांटमेंट, बट चलो कोई बात नहीं। कैटाकॉम कैटाकॉम भाई सब में कट। और रुको रुको, एक में कैटाकॉम नहीं था, कौन सा था? नहीं, सब में कैटाकॉम। एक नॉर्मल आर्मर भी सेल करो यार, ये कैटाकॉम यार मेरे को अभी करने में बहुत टाइम लग जाएगा। ओए मेरे को एक आर्मर मिला, लेकिन यार इसके लिए 99,000 की एक है, लेकिन ये नहीं, मेरे को नहीं अच्छा लगा ये। भाई लिटरली सारे अच्छे आर्मर के लिए यार कैटाकॉम चाहिए यार, और कैटाकॉम मेरे पास नहीं है यार। चलो कोई ना, चलो ब्लॉक्स में जाते हैं। ओके ये तो मैंने जो बीट करा है वही है, कोई ना खरीदा नहीं है। ओके चलो कोई बात नहीं, ये मैं काम करता हूँ, इसको खरीद लेता हूँ, क्योंकि देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों मैं बताऊँ? देखो अगर तुम इसको ऊपर रीड करोगे तो ये क्या करता है, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो ये क्या करता है कि ये जो क्या करता है, अगर तुम अगर इसको मिनियन के स्लॉट में लगाओगे तो ये क्या करेगा कि तुम्हारा जो भी मिनियन प्रोड्यूस करेगा मटेरियल, अगर वो फुल हो जाता है ना, तो वो ऑटोमेटिकली बाजार के अंदर सेल कर देगा ना, उसका प्रॉफिट तुम कलेक्ट कर सकते हो। ये लिटरली इतना एडवांस हो जाता है मिनियन को अपग्रेड करना। लेकिन ये डेफिनेटली मैं अभी क्राफ्ट कर सकता हूँ, तो मेरे को 50,000 रुपए साथ का नहीं चाहिए आई गेस। मेरे को जितना खबर है कि ये आयरन के अंदर ही अनलॉक होता है ना। देखो ये रहा। बस मेरे को 2,500 और आयरन माइन करना पड़ेगा, तब जाके ये रेसिपी अनलॉक होगी। एंड इसकी रेसिपी है आई गेस थोड़ी डिफिकल्ट होने वाली है, डेफिनेटली। आई न्यू दिस थिंग यार, आई न्यू दिस थिंग। और ये एक चीज 50,000 की मिल रही थी, अभी मैं थोड़ा टाइम बाद ग्राइंडिंग करके इसको अनलॉक कर ही लूंगा। कोई बात नहीं, अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर इसको ग्राइंड करके अनलॉक करेंगे। लेकिन 50,000 का मैं ये नहीं खरीदने वाला हूँ भाई, डेफिनेटली ये नहीं खरीदने वाला हूँ मैं। लेकिन मैं डेफिनेटली इसको खरीदने की सोच रहा हूँ। टेलीपोर्ट पैड क्या होता है मैं तुम्हें अगर बताऊँ। देखो ये टेलीपोर्ट पैड, चलो मैं इसको खरीद ही लेता हूँ, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। ये मेरे को नहीं हुआ इसको किस तरह क्राफ्ट करते, तो लेट्स जस्ट बाय दिस थिंग राइट नाउ। आई एम बाइंग दिस थिंग यार, डूड आई एम लिटरली, मैंने बाय कर लिया, मैं लिटरली 70,000 कॉइंस चले गए। दर्द होता है यार दिन में इधर पैसे जाते तो ला वेला, बाकी के पैसे तू तेरे ऊपर जमा कर देता हूँ मैं, संभाल के रखियो। क्या कहता हूँ, वेट संभाल के रखियो, अगर 1 भी रुपया गायब हुआ तो समझ ले तू कल से यहाँ पे कोट पैंट में नहीं दिखेगा, समझ गया ना? ओके तो संभाल के रखियो। अबे कुछ तो बोल यार, रिएक्शन भी नहीं करते लोग। तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये यार मेरे को वीडियो को एंड करने का मन ही नहीं कर रहा, मेरे को नहीं पता ये वीडियो कितनी लंबी होने वाली है। एंड मैं मजाक नहीं करूंगा, चपाती गेमर की वीडियो देख के मेरे को लिटरली हाई प्रेशर इतना खेलने का मन हुआ। ये तुम देख सकते हो ये जो आइलैंड है, ये मैंने लिटरली 3 दिनों के अंदर बिल्ड करा है, सिर्फ 3 दिन, रियल लाइफ के 3 दिन है। मैं डेफिनेटली हाई पिक्सल की बहुत ज्यादा एपिसोड्स बनाने की कोशिश करूंगा। ये एपिसोड में तो मैंने ज्यादा खास नहीं करा है, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड के अंदर अपने और मिनियन स्लॉट्स अनलॉक करने की कोशिश भी करेंगे, एंड कैटाकॉम लेवल के ऊपर रीच करने की भी कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड की राह देखना, एंड चलो इसको प्लेस करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको प्लेस करूंगा चलो जैरी के पास ही करते हैं। यहाँ ये प्लेस तो हो गया, लेकिन मेरे को इसको यूज करते नहीं आता यार। रुको रुको, राइट क्लिक टू टेलीपोर्ट पैड टू चेंज इट सेटिंग। ओके अभी मेरे को इसको, रुक जाओ मेरे को एक और लगाना पड़ेगा ना, तो एक काम करता हूँ मैं एक यहाँ पे लगा देता हूँ यहाँ पे। हाँ बस अब मैं इसकी डेस्टिनेशन सिलेक्ट कर लेता हूँ। रुक जाओ यार, इसको किस तरह करते हैं मेरे को नहीं समझ में आता, तो मेरे को नहीं पता यार हो गया क्या ये। रुक जाओ, हो गया। तो देखो अगर मैं अभी यहाँ पे इसके ऊपर स्टैंड करूंगा तो तुम देख सकते हो कि मैं यहाँ पहुँच गया। अगर मैं यहाँ पे इसके ऊपर स्टैंड करूंगा तो देखो मैं यहाँ पहुँच गया। तो चलो इसका नाम भी रख लेते कुछ रीनेम पैड। ओके तो इसका नाम मैं रखूंगा मिनियन सभी के लिए रखते इसका नाम, एंड डन करते। ये हो गया नेम इसका रेड। हाँ ये तो रेड पे जाएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो ये वापस मिनियंस हो जाएगा। ओके तो इसका मैं नाम रख लेता हूँ पोर्टल एरिया, पोर्टल एरिया इसका नाम सही रहेगा। तो ये डन किया, एंड अब ये हो गया पोर्टल एरिया। अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा ओके यहाँ आ गया मैं, और यस पोर्टल एरिया, नाइस आई लाइक दिस थिंग। देखो आई गेस तो ये 70,000 पूरा वर्थ है लिटरली। मेरे को भाई साहब वहाँ जाने की प्रॉब्लम भी नहीं है, बस मैं यहाँ पे पहुँच जाऊंगा, एंड मैं लिटरली यहाँ पे पहुँच जाऊंगा, एंड मैं अपने सारे मिनियंस को कलेक्ट भी कर सकता हूँ, जो बहुत ईजी है भाई। इसने इतनी जल्दी इतने जल्दी प्रोडक्शन कर लिया हो ना। मेरे को वीडियो एंड करने का तो मन तो नहीं है, बट चलो एंड कर देते। तो नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को ये सर्वर पसंद है यार।
और मेरे को इसकी ऊपर वीडियोस भी बनाने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है। दैट्स व्हाई मैंने अभी ये वीडियो को बनाया। ये वीडियो के अंदर मेरे को पता है मैंने ज्यादा कुछ खास करा नहीं है, मैंने बस अपने आइलैंड की टूर दी है और मैंने थोड़ा बहुत ये पिक्सल के फेक पिक्सल के बारे में बताया है और आई नो ज्यादा कुछ नहीं करा। अगर इस वीडियो के ऊपर व्यूज ज्यादा नहीं भी आते तो भी कोई बात नहीं, लेकिन चलो इस वीडियो के ऊपर एक लाइक एम भी रख लेते। मेरे पास अभी यहाँ पे 150 डिफेंस है तो चलो इसका ही लाइक एम रखते हैं। इस वीडियो के ऊपर 150 लाइक्स कर दो एंड मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ले आऊंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय जेरी।